प्यारे विद्यार्थियों, वैदिक गणित की इस पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम अपने 11 सूत्रों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन संस्कृत भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका चलन है, लेकिन हिंदी में उनका चलन बेहद कम है। यहाँ पे जो सूत्र है उसको हमने उस रूप में लिख लिया है जिस रूप में आप उसको ठीक ढंग से समझ सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारे पास सूत्र 12 है जो है शेषांकेन चरमेन। अगर यहां पे हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहां से क्लियर हो जाता है शेष प्लस अंकेन चरमेन, शेष अंकेन चरमेन। तो यहां पे अगर इसके अर्थ की बात करें तो ये है अंतिम अंक द्वारा शेष पद। यह है हमारे पास शेष अंकेन, शेष यानी कि शेष पद, अंकेन अंक का, चरमेन अंतिम यानी कि अंतिम अंक द्वारा शेष पद। और यहां पे इंग्लिश में अगर बात करें तो ये होगा रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट से रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका उपयोग कई तरीके से किया जा सकता है। इसका एक उपयोग है कि जैसे जो भिन्न है, भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए, या फिर इसको हम बोलेंगे कि फ्रैक्शन टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं हम। जैसे अगर हमें 1/7 को, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि 1/7 को डेसिमल रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे 1 लगा लिया हमने और ये 7, तो 0 डेसिमल लगा लेंगे और ये 10 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 30। अब यहां पे हमारे पास 4 × 28 = 14 × 6 = 8 × 4 = 35 × 0 = 7 × 49 = 10। तो देखो 10 से स्टार्ट किया था, फिर 10 दोबारा से आ गया तो फिर वही रिपीट होने लग जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.14285 और ये रिपीट हो गया, तो रिपीट हो गया तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी कि यही बार बार आता रहेगा 14 2857, ये बार बार आता रहेगा। अब इसको हम जो वैदिक गणित है उसमें इसको किस तरह से करते हैं। अब देखो हमारे पास 1/7 है, 1/7 है तो ये तो क्लियर हो गया कि 0 point something आएगा, क्योंकि जो अंश है वो हर से छोटा है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये 0 point something आएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास 1/7 है। अब आपने क्या किया, क्योंकि ये छोटा था तो एक जीरो ले ली। अब इसको करेंगे, अब आप क्या करें, ये तो यहां तो हम लिखेंगे क्वेश्चन और यहां पे हम लिखेंगे रिमाइंडर। जब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 = 7 = 3 रह जाएगा।
अब इस थ्री को यहां ले आए, जीरो लगाने और फिर सेवन से करें, सेवन फोर जा 28, टू रह जाएगा। अब टू को यहां पे ले आए, जीरो लगा दे, सेवन से करें, सेवन टू जा 14, सिक्स रह गया। सिक्स को यहां पे ले आए, जीरो लगा दिया, सेवन एट जा 56, फोर रह गया। इस फोर को यहां पे ले आए, जीरो लगा दिया, सेवन पे किया, सेवन पे किया तो हमारे पास फाइव से फाइव रह गया। 35 से 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा। 5 यहां पे ले आए हम, 0 7 पे किया, 7 7 का 49, 1 रह गया। अब इस 1 को इधर ले आए हम, 0 डिवाइड बाय 7, तो देखो यहीं पे आ गए हम जहां से हमने शुरू किया था, तो वहीं पे पहुंच गए। तो आगे नहीं करेंगे हम, यहां पे इसको रोक देंगे। अब हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखेंगे, आर मल्टीप्लाइड बाय 7। आर की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 14, 42, 28, 35 और 7, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे आप देखो तो क्या क्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से तो रिपीट होना शुरू हो गया था, यहां से तो रेपिटेशन शुरू हो गई। अब आप देखेंगे रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट से रिमाइंडर, तो लास्ट डिजिट हमारे पास है क्या, यहां से हमारा शुरू हो रहा है, वन वन लिख दिया, फिर फोर फोर लिख दिया, फिर टू टू लिख दिया, फिर एट एट लिख दिया, फिर फाइव फाइव लिख दिया, और फिर सेवन सेवन लिख दिया। उसके बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, इसको भी जीरो को भी ऐसे ही लिख दिया, 0 पॉइंट। देखो यही हमारा यहां से आंसर आया था, यही हमारे पास यहां से आंसर आया। तो आपको करना क्या है इसमें, बेसिकली आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे ये न्यूमरेटर इससे डिनोमिनेटर से छोटा था तो जीरो लगाई, क्वेश्चन टू रिमाइंडर, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जाए 7, 3 बच जाएगा। अब ये जो 3 है वो इधर आ गया, जीरो लगाई, 7 4 जा 28, 2 रह गया। अब ये 2 इधर आ गया, 7 टू जा 14, 6 रह गया। अब ये 6 इधर आ गया, 0 से लगाने के बाद 7 8 जा 56, 4 रह गया। अब ये 4 इधर आ गया और 7 5 जा 35, फिर 5 रह गया। अब ये 5 इधर आ गया, 7 7 जा 49, 1 रह गया। अब ये 1 इधर आ गया, तो फिर ये रेपिटेशन शुरू हो गई, यहां से रेपिटेशन रिपीट होना शुरू हो गया। अब आगे नहीं चलेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर को, तो ये बने। तो इन रिमाइंडर्स में जो लास्ट डिजिट है उनसे हमें डेसिमल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने एक बेसिक सा एग्जांपल किया है। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे 1/13, 1/17, 1/19, 1/29, इन सभी को इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।